दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम हिंदू लोग अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और कुछ लोग मंदिर में जाने से पहले ये तिलक लगाते हैं। लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो अपने माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं। कुछ लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से तिलक लगाते हैं और कुछ लोग कूल दिखने के लिए ये तिलक लगवाते हैं और कुछ लोग इंस्टाग्राम की वीडियो बनाने के लिए, इंस्टाग्राम का रील बनाने के लिए ये तिलक लगाते हैं। और आजकल इंस्टाग्राम पे एक ऑडियो है जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, जिसको कहते हैं तेरे नाम से तिलक लगाऊं। दोस्तों, हमारे माथों के बीच में 7 चक्र होते हैं जिन्हें ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। माथे पर तिलक लगाने से एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो तिलक लगाते हैं, तिलक लगवाने के बाद जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मंदिर के अंदर जाने के बाद हम अपने भगवान को याद करने लगते हैं तेजी तेजी के साथ, और तिलक लगाने से हमारे जो ग्रहों की स्थिति है उसमें सुधार हो जाती है। माथे पर तिलक लगाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, वो अपने ध्यान को केंद्रित करता है और उसमें एक अपार शक्ति आ जाती है। दोस्तों, अगर आप खुद से तिलक लगा रहे हैं तो आपकी ये जो छोटी वाली उंगली है इसके बगल वाली उंगली को अनामिका उंगली कहते हैं। तो जब भी आप खुद से तिलक लगा रहे हैं आप इस अनामिका वाली उंगली से खुद का तिलक लगाएं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को लगा रहे हैं या किसी दूसरे से लगवा रहे हैं तो आप उससे हमेशा अंगूठे का प्रयोग करवाएं। अभी क्या हो रहा है, अगर आप कहीं मंदिर जाते हैं तो वहां पर उनके पास पहले से ही स्टील का वो बनवा के रखते हैं और आपके माथे पर लगा देते हैं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जो भी उनके पास होता है वो लगा देते हैं। आप जिस मंदिर में जहाँ भी गए हैं उनके पास जो होता है वो लगा देते हैं। लेकिन हमेशा उचित तरीका यही है कि अगर आपके कोई दूसरा तिलक लगा रहा है आपके माथे पर तो आपको हमेशा अंगूठे से तिलक लगवाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय श्री राम।